अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्हील्स ऑफ जापान। ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी है निसान की आरिया। ये गाड़ी हाल ही में लॉन्च की गई है। ये गाड़ी 2022 मॉडल है और 2022 में ये लॉन्च की गई है। ये फुली इलेक्ट्रिक कार है, 4500 किलो वाट की ये गाड़ी है। तो आज इसके बारे में आपको बताते हैं, आप हमारे साथ रहें और देखते रहें। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। जी दोस्तों, ये गाड़ी की फ्रंट लुक है। ये यहाँ पे इसके ये हेडलाइट्स जो हैं ये LED हैं और ये डे लाइट रनिंग इसके DRLs हैं। और ये जो है ये पियानो ब्लैक है और ये ऊपर भी पियानो ब्लैक है और यहाँ नीचे भी इसका ये पियानो ब्लैक दिया गया है। ये नीचे फोग लैंप भी आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। ये दूसरी साइड भी हेडलाइट्स जो हैं वो LED हैं और ये गाड़ी का साइड प्रोफाइल है। और इसके टायर जो हैं ये 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जेन्युइन निसान के। और यहाँ पे नीचे जो है ये ओवर फिंडर जो हैं ये भी पियानो ब्लैक में है। और ये नीचे इसका जो ये दरवाजे के नीचे है ये भी पियानो ब्लैक में है। ये टू टोन में है ये। और ये ऊपर इसका छत जो है ये भी ब्लैक है। और ये साथ आपको सनरूफ नज़र आ रहा है। शार्क फिन एंटीना जो है वो दो लगे हुए हैं, एक नहीं है। ये बैक साइड से है गाड़ी और ये निसान का निसान लिखा हुआ है, नीचे गाड़ी का नाम आरिया लिखा हुआ है। और ये भी इसकी लाइट जो है ये भी LED में है, टोटली LED है सारी। और यहाँ पे ये जो इसका स्पॉइलर लगा हुआ है ये भी ये पियानो ब्लैक में है और जिस तरह का CHR का बना होता है ये वैसे बना हुआ है। और यहाँ नीचे जो है ये इसके पार्किंग सेंसर भी मौजूद हैं। ये इसका बम्पर जो है नीचे से ये भी पियानो ब्लैक में है और नीचे जो है वो रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। ये राइट साइड से है गाड़ी और ये इसमें ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग जो है ये क्रोम की है जो इसको काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है। और यहाँ पे ये रिट्रैक्टेबल मिरर है और यहाँ पे आपको ये कैमरा नज़र आ रही है। 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा है और ये इसका साइड का इशारा है। और ये इसकी दोनों साइडों पे चार्जिंग पोर्ट्स हैं। ये भी गाड़ी लॉक है, उस वजह से ये खुल नहीं रहा। यहाँ पे इसकी इस साइड पे और दूसरी साइड पे, एक साइड पे फास्ट चार्जिंग है और दूसरी साइड पे लो चार्जिंग है, तो यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। ये राइट साइड से है जी। ये जी इसका टेल गेट है और ये ऑटो खुलता है यहाँ से। इसको बस आप टच करेंगे ये खुद ही खुलेगा। और यहाँ से आप ये इसका ये जो बटन है इसको दबाएंगे और ये खुद ही बंद हो जाएगा। ये जी गाड़ी की मोटर है, ये इंजन लगा लें आप इसका जो इसको चलाता है। तो ये सारा इसका ये सिस्टम लगाया हुआ है। बैटरियाँ जो है वो ज़्यादातर पीछे होती हैं या फिर सीटों के नीचे, तो यहाँ पे इसकी सिर्फ ये मोटर लगी हुई है जो इसको चलाती है। क्योंकि फुल ये इलेक्ट्रिक कार है तो ये इसको ऐसे मिलता है। तो चलें अब आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये इसका सारा ये सिस्टम लगा हुआ है। ये रिट्रैक्टेबल मिरर है, उनकी सेटिंग है। ये लॉक एंड लॉक है और यहाँ पे जो है ये विंडो की सेटिंग है, ये विंडो को लॉक एंड लॉक करने के लिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑटो होल्ड है, जब ब्रेक लगाएंगे तो खुद ही जो है वो गाड़ी हैंड ब्रेक लगा देगी, ब्रेक को छोड़ेंगे तो वो छोड़ देगी। ये पीछे वाली डिक्की का है, ये चार्जिंग की है और ये यहाँ पे ये स्टेयरिंग का लगा हुआ है। और ये जो है इसका स्टेयरिंग फुल मल्टीमीडिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और वहाँ पे दूसरी लेफ्ट साइड पे जो है वो मल्टीमीडिया का सारा सिस्टम है और यहाँ पे ड्राइव मोड्स हैं और उनका
का ये सारा सिस्टम है और मोबाइल का सिस्टम इधर है। ये जी इसका मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है और ये पीछे जो है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी इसकी स्क्रीन है। यहाँ पे ये टीवी वगैरह चलता है और ये इसके सारे सिस्टम आते हैं। यहाँ पे ये सारा मीटर है और यहाँ पे ये जो एसी के डक्ट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है और ये है और एक वो है। और यहाँ पे ये जो है ना ये कपड़े का इस्तेमाल किया गया है जीन्स टाइप, और ये ऊपर जो है ना ये प्लास्टिक है। और इसमें जो ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है वो बॉस का लगा हुआ है। ये इन्होंने काफ़ी प्यारी ये जाली सी बनाई हुई है जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये यहाँ भी इसके ये रडार सिस्टम है और ये ड्राइव रिकॉर्डर है इसके साथ। और ये यहाँ पे इसका जो है ना ये सारा ये टच सिस्टम है इसका। ये एसी का सारा जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो सारा टच सिस्टम है, बटन नहीं है इनमें। ये जी इसकी गियर नॉब है और यहाँ पे आप ये ड्राइव मोड वगैरह ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी टच सिस्टम है। और ये इसका रिमोट कंट्रोल है और यहाँ पे इसका ये कप होल्डर है और ये इसका कंसोल है। यहाँ पे आप ये कुछ चीज़ें वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। और ये टोटली फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये फुली बैटरी की है और आगे से भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो है ना ये इसका ये सनरूफ भी दिया गया है। ये अभी चले पहले स्टार्ट करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इसकी सीटें जो है ना वो भी ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं। और ये मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट की है, गर्मी है थोड़ी सी और मुझे जो है ना वो सीटों के अंदर से जो है ना वो महसूस हो रहा है कि हवा आ रही है। ये फुली लेदर में है और बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत इसकी सीटें बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ दरवाजे में अगर आप देखें ये ऊपर लेदर है और ये वो जीन्स टाइप कपड़ा जो इधर डैशबोर्ड पे लगा हुआ है ये भी लेदर है। और बाकी इसका ये सनरूफ भी आप देख सकते हैं, मैं इसको भी खोलने की कोशिश करता हूँ। ये जी इसका सनरूफ है जो यहाँ तक खुलता है, बाकी ये ऊपर जाएगा, वो यहाँ से खुलेगा मेरे ख्याल से। ये जी सनरूफ इसका खुलता है तो ये जितना आप खोलना चाहें उतना खोल सकते हैं। और पीछे वाली सीटें भी जो हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ। तो जी ये इसका सामने आप मीटर भी देख सकते हैं, ये मीटर इसका ये उसकी बैटरी की चार्जिंग बता रहा है कि 82% है और ये 263 किलोमीटर अभी भी जा सकती है। और ये इसका ये बाकी आप ये सारा सिस्टम इसका देख सकते हैं, ये सारी फुली इलेक्ट्रिक कार है ये। और सीटें जो हैं वो भी ज़बरदस्त। और अगर आप सेफ्टी की बात करें तो 8 एयर बैग हैं इसमें। ये एक ड्राइवर साइड है, पैसेंजर साइड है और इसके कर्टन एयर बैग भी हैं और सीटों में भी हैं, तो कुल मिला के ये तकरीबन 8 एयर बैग बनते हैं। ज़्यादातर ये हाई ग्रेड की गाड़ी है तो इसमें नी में भी लाजमी होंगे। ये जी इसकी ऑप्शन शीट है, इसको 5 पॉइंट मिले हुए हैं और ये इसका ग्रेड है B6 लिमिटेड लिखा हुआ है, ऑटो में है और ये इलेक्ट्रिक कार है। 4500 किलोवाट इसका ये लिखा हुआ है, आर्या गाड़ी का नाम है और 490 किलोमीटर अभी तक चली है ये। तो ये जी इसकी ऑप्शन शीट थी। ये गाड़ी कराची तक तकरीबन 1,10,00,000 की पहुँचेगी, इसमें कस्टम और बाकी टैक्सेस शामिल नहीं। तो जी दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर कोई और गाड़ी देखना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाई जाएगी। तो अभी जो है इसकी मैंने आपको कीमत भी बता दी, ये इतने की जापान में बिकी है। तो बाकी इंशाल्लाह कोई और गाड़ी देखना चाहते हैं तो उसका भी बताएं आपको, वो भी बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।